आइए नाज़रीन, आज हम आपको सैमन फ़िश बनाने की रेसिपी देते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक फ़िश है, एक्सपेंसिव है, महंगी मछली है और इसका एक बहुत ख़ास डेंस सा पाउडरी सा टेस्ट होता है। ये आम मछलियों की तरह जो है ये तलने के काम नहीं आती है। बहुत से हैं जो इसको बनाते होंगे उन रेसिपीज़ पर भी मिर्च मसाले वाली, लेकिन हकीकतन ये बेक करने के लिए, ग्रिल करने के लिए, स्मोक करने के लिए या इस किस्म की सिंपल रेसिपीज़ में यूज़ होने के लिए ये मछली जो है ये अच्छी रहती है। तो सबसे पहले हमें लेमन जेस्ट की ज़रूरत होगी। तो एक ताज़ा लेमन है जो हम बाहर से तोड़ कर लाए हैं, सीज़न नहीं है तो जो भी मिला, और इसका हमने जेस्ट जो है वो हासिल कर लेना है। यूँ समझें कि 1 टीस्पून हमारे पास जेस्ट होगा। और इसके बाद हमने हाफ लेमन जो है वो इन दोनों पीसेस के ऊपर निचोड़ देना है। अब हमने इसके ऊपर 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाल देना है और सॉल्ट को हमने इसके ऊपर हाथ से ही मल देना है। तो इसके ऊपर सॉल्ट है, लेमन जेस्ट है और लेमन है, बस ये 3 चीज़ें हमने इसको लगाई हैं। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मछली अपना एक ख़ास टेस्ट रखती है। हमने ये फ्राइड बनानी है तो हमने बटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपने फ्राइड ना बनानी हो तो आप इसको इस स्टेज पर फॉइल में रैप करके अवन में रख सकते हैं या बारबेक्यू पे रख सकते हैं, तो ये यूँ भी बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है। अब हमने लिया है लर्पाक का बटर, जो कि बहुत मज़ेदार मक्खन है। बाहर की दुनिया में जो बटर हमें पसंद आया है वो ये ब्रांड है, और कोई 1 टेबल स्पून भर के हमने समझें कि बटर का लिया होगा। उसको हमने एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में लगा लिया है और इस बटर को अब हमने पिघला लेना है। हमने इसको गर्म नहीं करना है, हम चाहते हैं कि इसकी लस्सी जो है बटर की वो इसमें मौजूद रहे। इस वजह से हमने बिल्कुल जब वो पिघला ही है तो फ़िश उसमें डाल दी है। फ़िश को हमने हिलाना नहीं है, डाल के हमने छोड़ देना है यहाँ तक कि आप देखेंगे कि वो नीचे से लाल होने लगी है, और कोई 4 मिनट तक हमने उसको पकते रहने देना है। इसके बाद हमने उसको पलटना है और पलट के हमने उसको कवर कर देना है, क्योंकि बटर इतना नहीं है कि वो तेल की तरह मछली जो है उसमें डूब ही जाए। यही वजह है कि हमने उसको पलट के बटर में कवर कर दिया है ताकि वो अंदर तक पक जाए। और जब हमने इसको पहली बार पलटा है तो इसको फिर हमने कवर करके पकाया है, और एंड तक अब हमने इसको कवर करके ही पकाना है। तो ये अपने जूसेस जो हैं ये रिलीज़ करेगी और अपनी ही स्टीम में खुद ये अंदर तक पक जाएगी। तो 2-3 बार आपको इसको पलटना पड़ेगा, और एंड पर आकर आप देखेंगे कि इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है, तेल बिल्कुल अलग से दिखाई देने लगा है और ये तली तली सी मछली जो है ये दिखाई देने लगेगी, बहुत अच्छी लाल हो जाएगी और मज़ेदार मछली तैयार होती है। तो हमने इसको लो मीडियम हीट पे पकाया है और इसको हिलाया हमने बहुत कम है, और जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाल हो जाए तो आप इसको उतार लें। उतार के जो बटर बचा हुआ है पैन में वो आपने इसके ऊपर ही डाल देना है। सजाने के लिए आप कुछ पीस के साथ रख सकते हैं, हमने थोड़ी सी सेलेरी और 2 लेमन पीसेस जो हैं वो साथ रखे हैं, और साथ हमने इसके टाटा सॉस जो है वो डाला है। हमारी अम्मी को ये सॉस जो है बहुत पसंद है, हमें पसंद नहीं है, तो साथियों को जो भी सॉस इसके साथ अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।